Welcome to Tech World Podcast. Tech World के एक न्यू और फ्रेश एपिसोड में मैं मोहम्मद शाहिद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेट स्पीड मीटर ऐप के बारे में। यह ऐप हमें रियल टाइम में जो हमारी इंटरनेट की करंट स्पीड आ रही है उसके बारे में हमें जानकारी देता है, और हम यह जान पाते हैं कि कौन सी फाइल जो है हमारी वो कब तक डाउनलोड हो पाएगी, क्योंकि हम बार बार चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से कि स्पीड कितनी आ रही है, और उसके नीचे जैसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उस फाइल का भी हमें ड्यूरेशन पता चल जाता है, यानी इतने सेकेंड्स या इतने मिनट्स में वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है, हम परेशान होते हैं कि फाइल कब तक डाउनलोड होगी, तो उसकी जानकारी हमें ये दे देता है कि इतनी स्पीड आ रही है, इस वजह से ये इतने सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। इस ऐप का कार्य है स्पीड को बताना, तो मैं आज आपको इस ऐप के बारे में बताऊंगा कि ये स्पीड किस तरह से हमें नोटिफिकेशन में शो करता है और हम इसको किस तरह से अपने हिसाब से यूज करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट स्पीड मीटर। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं फोन यूज कर रहा हूं सैमसंग J7 2016 FN। इसमें एंड्रॉइड वर्जन मार्शमेलो 6.0.1, टॉकबैक का वर्जन 5.2.0 और इंटरनेट स्पीड मीटर ऐप का वर्जन है 1.4.9। चलें इंटरनेट स्पीड मीटर ऐप में। डबल टैप, और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको बहुत पहले परचेज किया था तो मुझे अभी इसकी करंट प्राइस नहीं पता, मेरे यहां यह परचेज्ड लिस्ट में दिखाई देता है। और इसका लाइट वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन लाइट वर्जन में कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस ऐप का लाइट वर्जन या फुल वर्जन इंस्टॉल करके जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस ऐप को ओपन कर लिया है और इस ऐप में क्या क्या लेआउट हमें प्राप्त हो रहा है इसके बारे में हम जानकारी देख करते हैं। इंटरनेट स्पीड मीटर, मोर ऑप्शंस बटन, इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले यहां स्क्रीन के ऊपर जो जो हमें जानकारियां दी गई हैं उसको हम देखेंगे। डेट, ये कॉलम बने हुए हैं, आप इसको इस तरह से समझें, एक शीट बनी हुई है जिसमें कॉलम दिए हुए हैं और उन कॉलम्स में क्या क्या है उसके ये शीर्षक दिए हुए, यानी हेडिंग दी हुई है। टाइटल सबसे पहला है हमारा डेट, मोबाइल पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम मोबाइल का, तीसरा वाईफाई, चौथा टोटल। डेट का मतलब है कि किस डेट की जानकारी हमें मिल रही है। दूसरा है मोबाइल, मोबाइल यानी मोबाइल का डेटा कितना हमने उस तिथि को या उस तारीख को या उस डेट को हमने यूज किया है। उसके बाद तीसरा अपना कॉलम है वाईफाई, यानी जिस तारीख की हम बात कर रहे हैं उस तारीख को हमने कितना वाईफाई डेटा यूज किया। चौथा है टोटल, यानी मोबाइल डेटा और वाईफाई डेटा उस तिथि को कितना हमने यूज किया, दोनों को ये प्लस करके बता देगा, दोनों की जोड़ कर देगा। तो अब देखते हैं तारीख, तारीख में आएगी टुडे, आज की तारीख 17 अप्रैल 2017। ये मोबाइल डेटा बता रहा है, ये वाईफाई डेटा बता रहा है, ये दोनों को प्लस करके इसने बता दिया अप्रैल 16 की डेट में ये मोबाइल डेटा, ये वाईफाई डेटा, ये दोनों को प्लस करके इसने बता दिया जो उस दिन हमने डेटा कंज्यूम किया था वो इतना किया था। इसी तरह से हम काफी लिस्ट देख सकते हैं, एक महीने की तो आराम से देख सकते हैं और एक महीने का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। इसके आगे भी हो सकता है ये ऐप वर्क करता हो, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप देख करके इसको समझ सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो है मोर ऑप्शन में जाके हम देखेंगे, क्योंकि हमें इसकी सेटिंग्स करनी है
और नोटिफिकेशन में इस ऐप को चेक करना है कि हम नोटिफिकेशन में किस तरह से स्पीड को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो हमें बाहर से पता चलेगी। तो अब देखते हैं मोर ऑप्शन में जा करके। मोर ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है? प्रेफरेंसेस, ये है सेटिंग्स। सेटिंग्स को ही यहाँ पर प्रेफरेंसेस नाम दिया गया है। रीसेट स्टेट्स, यानी इसकी जो डेटा है, इसने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसे हम यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे। आर यू श्योर, यानी आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कंफर्म हैं? अगर इसको चेक रखते हैं तो जो मोबाइल डेटा आपने कंज्यूम किया है उसकी डिटेल इसके पास सेव है, वो डिलीट हो जाएगी। वाईफाई को चेक रखा हुआ है तो आपके वाईफाई की डिटेल जो है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और यस कर सकते हैं। तो दोनों चेकबॉक्स दिए हैं, दोनों में से जिसका भी डेटा हमें क्लियर करना है उस चेकबॉक्स को चेक रखेंगे, दूसरे को अनचेक रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे, हम कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे। फिर से मोर ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि मैं आपको प्रेफरेंसेस में न ले जा करके दूसरे ऑप्शंस पहले दिखा रहा हूँ, प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि वो काफी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लोर करना है और समझना है। फिर से चलते हैं। स्टॉप एंड एग्जिट, इस ऐप को हम स्टॉप कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऐप, जैसा कि हमने बताया था कि रियल टाइम ये वर्क करता है, मॉनिटर करता है स्पीड, तो ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। यदि हमें इस ऐप की आवश्यकता नहीं है तो हम इस ऐप को यहाँ से स्टॉप एंड एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम प्रेफरेंसेस, जो हमारा पहला ऑप्शन है, उसको देखेंगे। डबल टैप। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग, सबसे पहला ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेटिंग इन लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर है ये। शोन द नोटिफिकेशन इंटरनेट इज कनेक्टेड, जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो तब ये नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो। इसमें ऑप्शन क्या क्या है और देख लेते हैं। केवल इंटरनेट कनेक्ट हो तब ये नोटिफिकेशन दिखाए, या फिर ऑलवेज। तो हमने इसको जब इंटरनेट कनेक्टेड रहे फोन से तब ये दिखाए, तो हम इसको चेक रखेंगे, क्योंकि ऑलवेज रखने से कोई मतलब नहीं है। जब इंटरनेट का यूज ही नहीं हो रहा है तो ये नोटिफिकेशन दिखा के भी कुछ नहीं कर सकता है। कैंसिल करके बाहर आ जाएं। नोटिफिकेशन लेआउट, ये नॉर्मली व्यक्तियों के काम का फीचर है, हमारे काम का नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन प्रायोरिटी, कि जो नोटिफिकेशन दिखाएगा इसकी प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए, यानी हम इसको कितना महत्व दें, इसके वरीयता क्या निश्चित करें, तो ये है प्रायोरिटी, यानी सबसे ऊपर ये दिखाना चाहिए। हम इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। हाईएस्ट, यानी सबसे ऊपर नोटिफिकेशन में ये दिखाना चाहिए। यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं, कम से कम मेरा जो फोन है सैमसंग J7 2016, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सैमसंग के द्वारा नोटिफिकेशन दिए गए हैं उनको ये सबसे पहले शो करता है, उसके बाद इस ऐप का नोटिफिकेशन आता है। तो जो दूसरे फोन होते हैं उनमें तो ये टॉप अप नोटिफिकेशन होता है, लेकिन सैमसंग में कम से कम मेरे एंड पे नहीं होता है, तो आप अपने एंड पे इसको चेक कर सकते हैं। हाय, हाईएस्ट से थोड़ा नीचे अगर वो रहता है तो उसको हाय बोलेंगे। नॉर्मल, यानी इसकी जहां इच्छा हो सामान्य, अपने आप ये सेट कर लेगा कि नॉर्मल जो जगह है वहां पर रहे, यानी बीच में। लो, यानी नीचे की तरफ रहे नोटिफिकेशन में। और लोएस्ट हाइड आइकन, यानी सबसे नीचे रहेगा और इसमें छुप भी सकता है ये आइकन। कैंसिल कर दें। नोटिफिकेशन पे अगर हम टैप करते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, इसके बारे में इसने बताया है। इसको डबल टैप करके ओपन करेंगे।
शो नोटिफिकेशन डायलॉग, यानी इस पे डबल टैप करेंगे तो विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो हमें इसमें प्राप्त होंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है ओपन एप्लीकेशन, हम इसको भी चूज कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन पर डबल टैप करें तो इस ऐप का जो, अगर हम इस पे डबल टैप करते हैं तो ये ऐप ओपन हो जाए। कैंसिल बटन, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नोटिफिकेशन में जो ये ऐप आ रहा है उस पर डबल टैप करके यहाँ डबल टैप करता हूँ, क्या खुलता है, नोटिफिकेशन खुलने की कहा है इसने। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। डेटा यूसेज वार्निंग, ये पूरी डिटेल दे रहा है। सेशन टाइम इतना मिनट इतना सेकंड्स, 15 मिनट और कुछ 54 सेकंड इसने बोला, ये इतना टाइम हमें हो चुका है वाईफाई से कनेक्ट करते हुए। यह सेशन टाइम और 82.9 MB सेशन यूजेज, इतना यूज हमने कर लिया है। पेज तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो हमें डिटेल में इसने बता दिया, मैंने बताया था आपको कि नोटिफिकेशन खुलेगा, अगर उस जगह हम ऐप सेलेक्ट कर देंगे तो जो ऐप में हमने ओपन किया था इंटरनेट स्पीड मीटर पे डबल टैप करके, वो वाला लेआउट इसमें ओपन हो जाएगा। तो उसमें मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो हम चलते हैं फिर से बैक, ये डिसेबल है। शो नोटिफिकेशन डायलॉग, तो हम इसी को ऐसे ही रखेंगे, हमें एप्लीकेशन ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो हमारा जो कुल यूसेज है वो बताएगा। ये डिसेबल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। शो टोटल स्पीड ओनली, यहाँ पर हमें जानना जरूरी है कि ये क्या है। अपलोड और डाउनलोड स्पीड अलग अलग होती है, तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग सेट नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ जो अपलोड और स्पीड डाउनलोड स्पीड को प्लस करके एक साथ बता रहा है कि हमने कितना MB डाउनलोड कर रहे हैं या कितना MB अपलोड कर रहे हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देता है। इसमें ऑप्शन देखें, शो टोटल स्पीड, यानी अलग अलग करके नहीं दिखाएगा, दोनों को शो एक साथ करेगा। शो अप स्लैश डाउन स्पीड सिंगल नोट, जो उसका नोटिफिकेशन उसमें दिखाएगा, यानी दो आइकन नहीं बनेंगे, एक ही आइकन के अंदर ये हमें शो कर देगा। या फिर हम दो नोटिफिकेशन में इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमें एक नोटिफिकेशन में अपलोड स्पीड दिखाए, एक नोटिफिकेशन में डाउनलोड स्पीड दिखाए, और ये है कैंसल बटन। तो इसे हम समझेंगे किसी ऐप को इंस्टॉल करके डाउनलोड करने की कोशिश करके। तो हमने एक ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश की है, तो अब हम देखते हैं कि स्पीड क्या बता रहा है। इसने सिंगल नोटिफिकेशन दिया है और टोटल स्पीड बता रहा है, ना अपलोड ना डाउनलोड। अब हम ऐप में जाकर के देखेंगे कि जो दूसरा आइकन है उसमें वो किस तरह से हमें बताएगा। दोनों को शो करवा दिया है, अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड सिंगल नोटिफिकेशन के अंदर। फिर चेक करते हैं नोटिफिकेशन में जाकर के, तो इसने बताया डाउनलोड स्पीड इतनी, अपलोड स्पीड इतनी, दोनों को इसने अलग अलग करके हमें जानकारी दी। अब इसने कहा है कि दोनों की स्पीड को अलग अलग नोटिफिकेशन में बताएगा, अलग अलग आइकॉन देगा।
notification, tab back, hide notification with idle, up slash down speed, up, short, check, short, slash down speed and notice, up, talk AB slash Escobar mobile, 588.5 MB busy, 83 MB, down, 106 KB slash Escobar mobile, 589.1 MB busy, 83 MB. तो ये देखा आपने, दोनों स्पीड अलग अलग शो हुई, दो अलग अलग नोटिफिकेशन बन गए। पहले डाउनलोड स्पीड था, फिर अपलोड स्पीड था। मैंने उंगली अपलोड स्पीड पे लगा दी थी, इसलिए वो पहले अपलोड स्पीड बोला, उसके बाद मैंने राइट टू लेफ्ट करके पीछे गया था तो डाउनलोड स्पीड उसने बोल के बता दी। तो जो पुरानी हमारी सेटिंग्स थी उसी में हम जाएंगे, शो टोटल स्पीड ओनली में हम जा चुके हैं। अब इसके आगे का ऑप्शन हम देखेंगे, क्या नोटिफिकेशन जो ये दिखा रहा है लॉक स्क्रीन में हाइड होना चाहिए। हमने इसको नोट चेक रखा है, क्योंकि हम कभी कभार लॉक स्क्रीन में भी इसको देखना चाहेंगे। तो जब हमारा डबल टैप करके, जब हमारा फोन अनलॉक करने के लिए हमें संकेत करता है, जैसे टू फिंगर अप स्वाइप टू अनलॉक, तो उस जगह पर कई सारे जो है नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें ये भी शो करता है। डेटा प्लान सेटिंग, यानी कि यहाँ पर हम अपने डेटा प्लान की सेटिंग कर सकते हैं कि हम मंथ में कितना डेटा कंज्यूम करते हैं, तो इसको यहाँ पर इसमें सेट कर देंगे तो हमें ये बराबर जानकारी देगा और ये भी बताएगा कि हमारा इतना डेटा हमने कंज्यूम किया है, इतना डेटा हमारे पास मौजूद है और हमारी जो करंट सेटिंग वो ये है। इसको चेक करना पड़ेगा अगर हमें इस प्रकार की सेटिंग अप्लाई करनी है। चेक कर दिया, ये इसने कह दिया है कि 1 GB की आपकी मंथली लिमिट है। ये आपको डे और टाइम सेलेक्ट करने का दे रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हम यहाँ कुछ सेटिंग नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ इसमें समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। 00:00 AM अर्थात रात के 12 बजे, 100 AM, 800 AM, 900 AM, cancel button, unlisted. तो इसने हमें ये टाइम दे दिए हैं। चलो 1 बजे का सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 100 किया था, तो इसने यहाँ पर चेक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में जाके के का कुछ बदलाव हुआ है। इसने वार्निंग दे दी हमें, हमने लिमिट सेट कर दी थी तो लिमिट चालू हो गई हमारी, और वार्निंग इसलिए दी है क्योंकि हमारी लिमिट थी 1 GB और ये तो ये 1 GB से ज्यादा हो चुकी, इसलिए लिमिट से ज्यादा होने पर वार्निंग दे रहा है। हम उस चेकबॉक्स को नोट चेक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। ठीक, अब ये डिसेबल हो चुका है, पहले डिसेबल नहीं बोल रहा था क्योंकि वो चेक था, तो यहाँ से हम लिमिट बढ़ा सकते थे। चलिए इसको चेक करके लिमिट को भी बढ़ा के देख लेते हैं। एडिट बॉक्स आ रहा है, तो निश्चित है कि एडिट बॉक्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आप जानते ही हैं। हम इसको 20482 GB कर लेते हैं। Backspace. Edit box. 1, 2,
2 9 0 0 5 4 9 8 Okay. Keyboard closed. Use bits per second. If application setting stop data usage limit. Current limit is 24 8 MB monthly. Enable data message plan. Shows the data message notification when mobile network is connected. Check notes. Note. Check. Data message. Starting out of day. Set this value. अब इस एप्लीकेशन में कुछ और सेटिंग्स हैं इस एप्लीकेशन की वो देख लेते हैं. Use bits per second. If not selected, speed will be shown in bytes per second. Not checked. Check box. Bits और bytes. इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनियां हमें स्पीड बताती हैं वो बिट्स में बताती हैं. जैसे ये कहते हैं 4G में हमारी स्पीड है 100 Mbps की, तो 100 Mbps का मतलब है 100 Mbps/s. तो वो अगर बाइट्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग 10 Mbps/s में आती है. तो उसी तरह से ये बता रहा है कि अगर इस चेकबॉक्स को आप नोट चेक रखते हैं तो मेगा बाइट्स में बताएगा, और चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो वो मेगा बिट्स में बताएगा. इसको चेक करके हम देखते हैं कि क्या होता है. अभी तो हम बाइट्स की स्पीड देख रहे थे, चेक कर दिया हमने. अभी इसको नोटिफिकेशन में देखें. अब इसने कहा 2. जितनी भी ये MB बता रहा है ये मेगा बिट्स पर सेकंड बता रहा है, और पहले जो बताता था वो मेगा बाइट्स में बताता था. तो इस तरह से हमें मोबाइल कंपनियां MB KB के बारे में बताती है और हम इसको समझ लेते हैं मेगा बाइट्स, जबकि वो होता है मेगा बिट्स. अब फिर से चलते हैं एप्लीकेशन में और आगे की कुछ और ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं. Data plan setting. Enable. Starting hour of day. Application. Use bits per second. Language. Use bits per second. Checkbox को हम नोट चेक कर लेते हैं. यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है क्योंकि इंग्लिश के अलावा जो भी और कोई इसमें लैंग्वेज है वो हमारे काम की नहीं है. सिस्टम डिफॉल्ट हम लगभग इंग्लिश ही रखते हैं. तो अगर आप इंग्लिश नहीं रखते हो तो आप यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं. थीम से हमें कोई मतलब नहीं है. अबाउट इसका शायद अंतिम ऑप्शन है. बिल्कुल, इसको डबल टैप करके देखें क्या क्या है. ट्रांसलेशन, इंटरनेट स्पीड मीटर, वर्जन, ईमेल आईडी. तो इसने एक वार्निंग दी है. This app uses Azure Apache Library under Apache License 2.0. Okay. तो इसका ये अबाउट था, इस एप्लीकेशन के बारे में इसने जानकारी दी. तो उम्मीद करूंगा कि इंटरनेट स्पीड मीटर जो ऐप है ये आप समझ पाए होंगे और इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हम इंटरनेट स्पीड मीटर में स्पीड किस तरह से चेक कर सकते हैं. अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड, अलग अलग नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसमें, और इसके अलावा मेगाबिट्स, मेगाबाइट्स, ये भी स्पीड में हमें समझ में आ चुका है. तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गेट नोटिफाई बटन को दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. इसके अलावा आप हमारी ईमेल आईडी teamtechworld@gmail.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं. शुक्रिया. जय हिंद. If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion and feedback about technology, please contact us by this email, teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned.
and have a great day. Thank you. Hey, stop, where you are going? Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye-bye.